और यहाँ से इस वाली पहाड़ी से इधर से इस वाले गदेरे से घूम के मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो एक बार फिर से जो है टाइम वाली गाड़ी यहाँ से भी निकल गई थी और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था गाड़ी का वेट करते करते। किसने लाया तो इसको? बुआ ने दी। बुआ ने दी? वहाँ पे नहीं लगाना, वो कहाँ पे लगाएगा उसको? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। एक नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है, वो अच्छे से धूप के साथ हो रही है और मैं तैयार हो चुका हूँ पोखरी जाने के लिए। दरअसल आज मैं पोखरी मार्केट जा रहा हूँ क्योंकि ना वहाँ पे मेरा आधार कार्ड का करेक्शन करवाना है जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा अपने आधार कार्ड का करेक्शन करवा लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से जो है गाड़ी जाती है टाइम की 9 बजे और मुझे टाइम पे रोड पे पहुंचना पड़ेगा। अगर टाइम से नहीं पहुंचे तो गाड़ी जो है छूट जाएगी और पोखरी जाने के लिए बाकी और गाड़ियां नहीं मिलती है। तो फाइनली मैं जो हूँ रोड पे पहुंच गया हूं और अब यहां पे गाड़ी का वेट करना पड़ेगा 9 बजे तक। अभी 8:30 हो रहा है तो टाइम से रोड पे आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी जो है गाड़ी जल्दी आ जाती है, कभी थोड़ा लेट हो जाती है। तो अगर टाइम पे आ गए तो ठीक है, क्योंकि अगर गाड़ी छूट गई तो इसके बाद कोई भी गाड़ी नहीं है जिसमें मैं पोखरी जा सकता हूँ। 8:30 से 9 बज चुके हैं और अभी तक गाड़ी नहीं आई है और अब मुझे गाड़ी सामने वाली धार पे दिख रही है। तो अब जो है गाड़ी में बैठते हैं, निकलते हैं मोहन खाल के लिए क्योंकि पहला पड़ाव यहाँ से मोहन खाल है, उसके बाद 6-7 किलोमीटर पोखरी है और सुना है कि पोखरी से भी 2-3 किलोमीटर आगे जाना है। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है और वहाँ पे गाड़ी मिलती है या नहीं मिलती है। तो गाड़ी में बाकी सफ़र एक तरफ और गाड़ी के छत में पहाड़ों में ट्रैवल करने का सफ़र एक तरफ होता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिलहाल जो है अभी मैं भाड़ विलेज में पहुंचने वाला हूं और उसके बाद जो नेक्स्ट पड़ाव होगा वो हमारा मोहन खाल होगा। तभी हम पहुंचे हैं भाड़ पे और भाड़ से जो है आगे जाना है चन्नागर के लिए और ये पहाड़ों में बसा छोटा सा मार्केट। तो चंद्रनगर में चल रहा है आजकल महाशिव पुराण और आज यहाँ पे जल यात्रा है। तो काम करने की वजह से यहाँ पे नहीं आ पाया लेकिन आज यहाँ पे आना था। तो फाइनली मैं मोहन खाल पे पहुँच चुका हूँ और यहाँ से अब मुझे गाड़ी पकड़नी है पोखरी मार्केट के लिए। तो देखते हैं कि यहाँ पे गाड़ी मिलती है या नहीं मिलती है। और मोहन खाल जो है पहाड़ों में बसा एक छोटा सा सुंदर सा मार्केट है और यहाँ से पोखरी 8 किलोमीटर है और मुझे 8 किलोमीटर जाना है और ये है मोहन खाल मार्केट छोटा सा। तो फाइनली मैं पोखरी की उस लोकेशन पे पहुंचा हूं जहां पे जो है मेरा आधार कार्ड करेक्शन का काम होना है। ये पोखरी से 2 किलोमीटर दूर है और यहां का नाम देवर है। तो यहां पे मैं आ चुका हूं, यहां पे जल्दी से अपना काम करवाना है। फिर मुझे ना यहां से पोखरी जाने के लिए या तो गाड़ी की मदद लेनी पड़ेगी, अगर गाड़ी मिलेगी टाइम पर तो गाड़ी में निकल जाऊँगा, वरना यहाँ से 2-3 किलोमीटर मुझे पैदल जाना पड़ेगा। और पोखरी ठीक यहाँ सामने है तो इतना दूर फिर यहाँ से घूम के पैदल जाना पड़ेगा। मैं जो आधार कार्ड अपडेट करवाने गया था वो सामने यहाँ गया था और यहाँ से इस वाली पहाड़ी से इधर से इस वाले गदेरे से घूम के मैं यहाँ पहुँचा हूँ और यहाँ से पोखरी अब केवल थोड़ा सा बचा हुआ है। अभी फ़िलहाल मैं हूँ मोहन खाल मार्केट में और जो है यहाँ से टाइम वाली गाड़ी आज आई नहीं है तो घर जाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। दिन का जो लंच है वो फास्ट फूड हो रहा है, अभी फ़िलहाल फ़ास्ट फूड खाऊँगा, यहाँ पर वेट करूँगा। अगर कोई लोकल गाड़ी मिलती है तो घर जाऊंगा, वरना कुछ और प्लान भी हो सकता है। तो एक बार फिर से जो है टाइम वाली गाड़ी यहाँ से भी निकल गई थी और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था गाड़ी का वेट करते करते, लेकिन गाड़ी मिली नहीं। तो मैं अब जो हूँ दादी औरों के घर जा रहा हूँ, आज यहीं रुकूँगा, फिर जो है कल घर जाऊँगा। तो क्या ही बोलूँ, मतलब प्लान ऐसे बन रहे हैं, एकदम से चेंज हो रहे हैं और मैं फिर से अपने पुराने गाँव थाला विलेज जा रहा हूँ। और थाला विलेज जाने का रास्ता कुछ ऐसा है, जब मैं बहुत साल पहले इस वाले पैदल वाले रास्ते से आया था तब ऐसा रास्ता नहीं था, लेकिन ये नया रास्ता बना हुआ है। तो यहाँ पे जो ये स्कूल है ये थाला की संस्कृत स्कूल है और ये जो है बहुत पुराने स्कूल है, जब से मैं आया हूँ मैं इस स्कूल को ऐसे ही देख रहा हूँ।
तो यहाँ पे ये जो रोड जाती है ये भी थाला विलेज के लिए जाती है, और मुझे सीधे नीचे जाना है। तो इस वाले रास्ते से जो ये जंगल जैसा दिखाई दे रहा है इसके बीच से मुझे सीधे नीचे निकलना है थाला विलेज के लिए। और इन वाले रास्तों पे बहुत सारी जोंक होती हैं, और शायद से अगर हो ऐसा, क्या पता पैरों पे जोंक लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए जो है मैं बिल्कुल देख के ही चलूँगा। और मुझे लग रहा है इस वाले रास्ते पे जो ये वाइट वाइट गिरा हुआ है, यहाँ के लोगों ने ये ब्लीचिंग डाला हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर, जिससे कि जोंक ख़त्म हो जाए और लोगों पे ना लगे। इस वाले बोर्ड को देख के मुझे पुराना रास्ता जो है याद आ चुका है। जब मैं पहले आता था तो मेरी नज़र जो है इस बोर्ड पे हमेशा पड़ती थी, और अभी इसको देखा तो मुझे लग रहा है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी राजमा की दाल लगाई हुई है, और इन पे राजमा भी लगनी स्टार्ट हो गई है। तो हमारे गाँव में इतनी ज़्यादा राजमा नहीं होती है, और मैं जो हूँ फाइनली दादी औरों के घर पर पहुँच गया हूँ। दादी औरों का घर ज़्यादा दूर नहीं है, यही नीचे ही है पास में। चाची का परसों बर्थडे था, चाची अभी पार्टी करने के लिए देखो कैसे छुप रही है। अभी हम सात्विक के साथ घूमने आए हैं, यहाँ पे आ जा। कहाँ गए थे हम घूमने, बोल जल्दी। अब कहाँ गए थे घूमने? धंधौली। कौन कौन आया था? पापा, हाँ, सुमित भैया, हाँ, और अमित भैया। अमित भैया, अब क्या करें, घर चलें? चलें? चलो फिर। साध्विक लेके आया, आप एक पेड़ की टहनी लेके आया है, किस लिए लाया तो इसको? बुआ ने दी। बुआ ने दी, लाया किस लिए तो उसको? साध्विक से बड़ी टहनी है, और कहाँ लेके जा, इसको लेके जा, चल जहाँ लेके जा रहा, जल्दी जा। देख के जा, जा। वहां पे नहीं लगाना, वो कहाँ पे लगाएगा उसको? तो यहाँ पे बुआ लोग क्या कर रहे हैं, ककड़ी की बेल हो रखी है इतनी बड़ी, और इस पे पेड़ की टहनी लगा रहे हैं सपोर्ट के लिए। और सात्विक भी लेके आया है। दे भाई सात्विक। मम्मी कैमरे को देख के इधर नहीं देखती। चाची जी कैमरे को देख ऐसे भाग रहे हैं। चाची जी इज नॉट कैमरा फ्रेंडली पर्सन।